हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल सुमन किचन हिंदी में। और फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड से बहुत ही सुपर टेस्टी नाश्ता। सैंडविच तो आपने बहुत खाए होंगे और इस तरह से आपने बटर भी लगाया होगा और इस पे आपने चीज़ भी घेरी होगी, मगर बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे ये बिल्कुल सैंडविच की तरह लगनेगा आपको स्वाद के अंदर। तो यहाँ पर आज हम ब्रेड से सुपर टेस्टी नाश्ता बना रहे हैं, इसे बनाना करते हैं शुरू। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और आलू को मैंने पहले बॉईल कर लिया है। अच्छे से ही बॉईल करें आलू को आप, और इसको मैंने यहाँ पे छील के आलू को रेडी कर लिया है। यहाँ पे आलू अभी मैश कर लेते हैं, तो आप इस तरह से आलू मैश कर लें। मैश करने के साथ ही यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे एक प्याज बारीक कटी हुई, हरी मिर्ची ऐड करेंगे 1 से 2 चम्मच बारीक कटी हुई, और यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे अभी हम नमक 1/2 चम्मच, आप ले सकते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, साथ ही ऐड करेंगे 2 से 3 पिंच हींग पाउडर, डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आ जाएगा। यहाँ पे ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आप इसमें और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, मटर है या कैप्सिकम है, गाजर है, इस तरह से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ ताकि घर में मौजूद जो भी आपके पास सामान है या सामग्री है उससे आप इसको ईजिली बना सकते हैं और ये बहुत ही फटाफट बन जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने ये बना के तैयार कर लिए स्टफिंग, और अभी यहाँ पे देखिए बेसन ले लिया है मैंने 1/2 कटोरी, और बेसन का हम बनाएंगे बैटर, क्योंकि यहाँ पे ना हम हरी चटनी लगाएंगे, ना लाल चटनी लगाएंगे, ना बैटर लगाएंगे, बटर भी नहीं लगाएंगे, और यहाँ लगाएंगे बेसन का घोल। इसमें हल्दी मिर्ची और हल्की सी हरी मिर्ची कटिंग करके घोल बना लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने ब्रेड की स्लाइस ली है 2, और ब्रेड आप बड़े साइज़ की भी ले सकते हो, मैं यहाँ पर छोटे साइज़ की ब्रेड ले रही हूँ, और बड़े साइज़ की ब्रेड में ये नाश्ता जो है काफ़ी ईजी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए जो बेसन का मैंने बैटर बना के रखा था उसको हम यहाँ पे इसके ऊपर अच्छे से ऐड कर देंगे, जिस तरह से आप बटर लगाते हैं या बटर लगाते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पे बेसन का इस पर घोल लगा लेना है अच्छी तरह से, यहाँ पे चारों कोने कवर करके। साथ में आपको आलू की स्टफिंग बीच के अंदर इसमें ऐड कर देनी है, और उसके बाद दूसरी ब्रेड को उसके ऊपर रख के यहाँ पर आप कटर से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसकी कटिंग जो करूँगी, एक बार इसको फिक्स कर लें अच्छे से, फिक्स करने के बाद में यहाँ पे इसको कटिंग करने के लिए मैं गिलास का यूज़ करूँगी। आपके पास अगर कटर है तो आप कटर से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ देखिए इस तरह से छोटा सा एक गिलास ले लिया है, गिलास से इसकी बिल्कुल गोल शेप में कटिंग कर लेंगे, और बिल्कुल स्टफिंग बीच में ही रखनी है। तो यहाँ पर देखिए साइड वाली जो ब्रेड निकल गई है इसको साइड में रख देते हैं, और ये हमने यहाँ पर पीस बना के तैयार कर लिया है, और ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है इस तरीके से। और यहाँ पे इसी तरह से जितनी भी ब्रेड की स्लाइस है, जितनी हमारे पास आलू की स्टफिंग है, उस पे इस तरह से बेसन का घोल अच्छी तरह से चारों तरफ लगा के, और हम सारी ब्रेड इसी तरह से तैयार कर लेंगे स्टफिंग ऐड करके। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल नया तरीका बताया मैंने आपको, इसके अंदर आपको बटर की चीज़ की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बेसन से भी काफ़ी बढ़िया टेस्ट आता है ब्रेड के साथ में। और यहाँ पे देखिए ये आलू की स्टफिंग ऐड कर दी है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल वाली रेसिपी मैं आपके लिए लिख के आती हूँ, शेयर करती हूँ, जो आप इजी घर में बना सकते हैं और खा भी सकते हैं और खिला भी सकते हैं, बच्चे हो जाते हैं खुश खा के। तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे इस तरह से वापस से मैंने इसको गिलास से कटिंग कर लिया है, और बहुत ही ईजी हो जाएगा, इनके बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इस तरह से कटिंग आप करेंगे तो बहुत ईजी कटिंग हो जाएगा, और स्टफिंग भी आलू के अंदर है, बेसन भी देखिए उभर के थोड़ा सा बाहर आ रहा है। तो अभी यहाँ पे देखिए मैंने ये 4 पीस बना के तैयार कर लिए हैं इस, और जब अगर इस तरह से फट भी जाएंगे तो भी स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। और एक पैन पे तेल ऐड करके इस तरह से यहाँ पे इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा सामग्री नहीं लगी है, हर चीज़ हर सामग्री आपके पास घर में अवेलेबल होती है, बिल्कुल कम तेल का नाश्ता है, और बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा अगर आप इस तरह से इस रेसिपी को बनाएंगे तो। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, और अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो मुझे आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी अगर आपने बनाई तो कैसी बनी। तो यहाँ देखिए मैंने 4 ब्रेड की स्लाइस की बॉल्स बनाई थी, जो इस तरह से बिल्कुल दोनों तरफ से सेक ली और बहुत ईजिली पलटने में आ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही इनको पलटने में, काफ़ी बढ़िया कलर आ चुका है, और ये बन के रेडी है एकदम फटाफट से। तो चलिए फ्रेंड्स, देर किस बात की, अगर रेसिपी पसंद आई है तो अभी से इसके बनाना शुरू कर दीजिए, लॉकडाउन है, घर पे बनाइए और खाइए और सबको खिलाइए। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं आपको ब्रेड की स्लाइस को कटिंग करके भी बताऊंगी, बिल्कुल यानी कि बीच में जो स्टफिंग है काफ़ी बढ़िया है,
और भी मसाले आपके पास है तो आप इसमें ज़रूर ऐड करें फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यम्मी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स रेसिपी बनके तैयार है, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो रेसिपी में।